नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने भाजपा के महेश नगर मंडल के उपाध्यक्ष आशीष गुलाटी की ओर से पुलिस विभाग में काम करवाने के नाम पर की गई 27 लाख की ठगी पर बोलते हुए कहा कि पुलिस का एक्शन दिखावे का ज्यादा और प्रभावशाली कम है। चित्रा सरवारा ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर टेक एक्शन तो लिख दिया, लेकिन ड्यू एक्शन लिखना भूल गए। चित्रा सरवारा ने गृह मंत्री अनिल विज की कार्रवाई पर बोलते हुए कहा कि गृह क्षेत्र मंत्री जी का, कार्यकर्ता मंत्री जी का, पुलिस भी मंत्री जी की, लेकिन रिजल्ट फिर भी जीरो। इस प्रकरण पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए जी, वो भाजपा के मंडल के उप प्रधान हैं और उनके ऊपर 27 लाख के करीब की एक ठगी का आरोप लगा है, और वो ठगी उन्होंने जिस सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, जिस मंत्री से वो जुड़े हैं, उनके डिपार्टमेंट में नौकरियां लगवाने के और उनके प्रभाव को इस्तेमाल एक तरह से करके लोगों की सोट से मदद करने के नाम पे उन्होंने वो ठगियां करी थी। हम यही कहेंगे कि आज तक ये काम चलता रहा और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये हम पहले भी कह चुके हैं, ये ना पहला है ना ये आखिरी होगा। जो इतना सारा काम, इतना सत्ता का दुरुपयोग चल रहा है, तो कैसा हो सकता है कि जो हर चीज़ पे चील जैसी नज़र रखते हैं, उनकी नज़र में आज तक ये मैटर ही नहीं आया। और रही बात शहर उनका, कार्यकर्ता उनका, जिस पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजा वो पुलिस उनकी, लेकिन कमाल की कार्रवाई करी है। एक ही जिसे कहते हैं ना, कलम से अपने तो नंबर बना लिए ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ही श्वेत हैं और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लिख दिया एक्शन, टेक एक्शन, लेकिन ड्यू एक्शन लिखना शायद वो भूल गए। जो एक्शन पुलिस ने लिया वो इस तरह का लिया कि वो दिखाने का ज़्यादा था और उसमें इफेक्टिवनेस बहुत कम थी। गलत समय से पहले अरेस्ट करना, कुछ इस तरह के सिस्टम में लूप होल छोड़ देना कि उनको, जिनके ऊपर आज इल्ज़ाम लगे हैं, उन्हें पुलिस की कस्टडी नहीं लिया जाता, उनसे कोई इफेक्टिव सवाल जवाब आज नहीं हो सकते, कोई रिकवरियाँ निर्धारित नहीं हो सकती, उनको सीधा ले जाके एक तरह से सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत के अंदर दे दिया गया है। तो मैं दिखाती हूँ कि ये सिर्फ दिखाने का, जो आंखों में मिट्टी झोंकने का एक वो था, एक दिखावा करा गया कि हम अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शेंगे, पर असल में उस कार्यकर्ता को सिस्टम की और सिस्टम के हर लूपहोल की मदद प्रोवाइड करवाई गई। हम इस बात की बहुत बहुत निंदा भी करते हैं और आज ये जो हम देखने को मिल रहा है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो अब तक की भर्तियां हुई हैं, क्या उनमें कोई इस तरह के और गड़बड़ घोटाले तो नहीं हुए। और साथ में हम ये भी कहेंगे, आज हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश है पुलिस के हिसाब से अगर देखा जाए। करनाल के आप हादसे देख लीजिए, आज ही एक फ्रेश पानीपत में दिल दहलाने वाली बात हुई है, तो साफ दिखता है यहाँ पे कोई पुलिस की कार्रवाई, कोई न्याय, कोई प्रशासन, कोई प्रणाली इस तरह की एक्टिव नहीं है। तो जांच किस प्रकार की जांच मांगती है? इसकी थरो जांच होनी चाहिए थी। और ये भी पता चला है, जैसे सुनने में आया है, कि FIRs को भी बदल दिया गया, FIR की दफाओं को बदल दिया गया। इसके अंदर कम स्ट्रेंथ की, लीनियंसी वाली दफाओं को इसमें जोड़ दिया गया, जिनके अंदर आराम से बेल मिल सकती है। तो हम समझते हैं कि इसकी जांच अगर ज़रूरत पड़े तो इसको अंबाला से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि साफ है कि महेश नगर से जुड़े हुए जो ये साथी थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, इनके ऊपर सदर थाने से कार्रवाई कराई गई, वो कार्रवाई भी पूरी नहीं हुई, पूरे तरीके से नहीं हुई। तो साफ है कि इसकी बाहर से कहीं और से इसकी जांच करवाई जाए और पूरी निष्पक्षता से ये दिखाया जाए कि ये बातें दिखाने की नहीं, ये निभाने की। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।